देखो बच्चों, आज ये चिंटू बेटा क्या कर रहे हैं। अरे आज तो इन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं। देखो देखो, आज तो नई ड्रेस पहनी हुई है चिंटू बेटा ने। और आज ये नई ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो, चिंटू बेटा से ही पूछते हैं आज ये कहाँ जा रहे हैं। अरे चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, आज ये नई ड्रेस पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी बताओ हमें। अरे अंकल अंकल, मैं नहीं बताऊंगा। आज तो मैं नए कपड़े पहनकर घूमने जा रहा हूँ। तुम मिंटू से पूछ लो, मैं तो नहीं बताऊंगा। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मम्मी मारेंगी वरना अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो। मिंटू से पूछो, मिंटू से। ओहो, लगता है ये तो कोई सीक्रेट है। चलो मिंटू बेटा से पूछते हैं। अरे मिंटू बेटा, मिंटू बेटा, आज तुम कहाँ जा रहे हो? जरा हमें भी बता दो, कहाँ घूमने जा रहे हो? अंकल मैं नहीं बताऊंगा, मम्मी मार लेंगी। मम्मी ने कहा था किसी से बताना मत, मम्मी तो मार लेंगी। ओहो, लगता है आज तो कोई सीक्रेट है ये। चलो चिंकी और रिंकी से पूछ लेते हैं। अरे रिंकी चिंकी, कहाँ जा रहे हो आज घूमने? कुछ तो बताओ। चिंटू मिंटू तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कम से कम तुम दोनों ही बता दो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए? मैं भी नहीं बताऊंगी, अब मम्मी से पूछ लो। मम्मी ने मना कर लाया, अगर किसी को बताओगे तो मालूंगी बहुत। ओहो तो ये बात है, ये तो चिंटू मिंटू ने भी नहीं बताया और ये तो रिंकी चिंकी ने भी नहीं बताया। ये बच्चे आज कहाँ घूमने जा रहे हैं? चलो चलो, इनकी मम्मी से ही बात करते हैं। ये कहाँ घूमने जा रहे हैं? इनकी मम्मी जी तो घर के बराबर में यहाँ बैठी हुई हैं। आंटी जी, आंटी जी, आज ये बच्चे कहाँ घूमने जा रहे हैं? हमें भी कुछ बता दो। अरे भैया भैया, आज ये अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं और मैंने इनसे मना करा था किसी को बताने के लिए। फिर ये बहुत हल्ला करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं जोर जोर से, इसलिए मैंने ही मना करा था। हाँ पर आज ये अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं, इनकी नानी के यहाँ पार्टी होने वाली है। ओहो, तो आज इनकी नानी की यहाँ पार्टी होने वाली है? हाँ भैया, हाँ भैया, नानी की पार्टी आज इनकी। ओहो, फिर तो आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो, देखते हैं ये चिंटू बेटा और मिंटू बेटा ये कैसे जाने वाले हैं। आज ये सारे बच्चे अपनी नानी की यहाँ कैसे जाएंगे? चलो चलो देखते हैं। अरे जाने के लिए तो देखो क्या आया हुआ है। जाने के लिए तो कितना प्यारा स्कूटर आया हुआ है यहाँ पर। तो कितना प्यारा स्कूटर है, देखो देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर स्कूटर आया हुआ है। पर इस स्कूटर तो ये तो चिंटू बेटा का है, इस पे तो खाली चिंटू बेटा जाएंगे। पर आज तो चिंटू मिंटू रिंकी चिंकी सबको जाना है, तो ये सारे बच्चे स्कूटर पर कैसे आएंगे? चलो चलो, आज देखते हैं इनके लिए और क्या आया हुआ है जाने के लिए। ओ वाह, देखो देखो, यहाँ तो एक ट्रक भी आया हुआ है जाने के लिए। ये तो बहुत ही सुंदर ट्रक है। चलो चलो देखते हैं इस पर सारे बच्चे कैसे जाएंगे। अब पहले सबसे पहले चिंटू बेटा की बारी है, चिंटू बेटा को बैठाते हैं। चलो चलो चिंटू बेटा, ट्रक में बैठ जाओ, ट्रक आ गया है आपको ले जाने के लिए। चलो 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 चलो, तुम यहां पर बैठ जाओ। ओहो चिंटू बेटा तो ये कह रहे हैं मैं तो लेट कर जाऊंगा। नहीं, लेट कर नहीं जाते हैं। चलो आप खड़े हो जाओ। चिंटू बेटा को तो ट्रक में खड़ा कर देते हैं, तभी आराम से जाएंगे, वरना ये ट्रक तो इतना गहरा है, चिंटू बेटा ढंग से कैसे खड़े हो पाएंगे? चलो चलो चिंटू बेटा, आप तुम यहाँ खड़े हो जाओ आराम से। देखो देखो, चिंटू बेटा तो खड़े हो गए हैं ट्रक में। वाव, अब तो मिंटू बेटा की बारी है, फिर रिंकी और चिंकी की बारी है। चलो चलो, अब मिंटू बेटा को भी खड़ा कर देते हैं। चलो मिंटू बेटा, चलो यहाँ से चलो। वाह, देखो देखो, अब मिंटू बेटा भी ट्रक में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर अब रिंकी चिंकी की बारी आएगी। चलो चलो, वाह देखो, अब ये दोनों बच्चे तो खड़े हो गए हैं ट्रक में आराम से, अब ये चलेंगे। और रिंकी चिंकी की बारी है, अब रिंकी और चिंकी को तो हम यहाँ पर लिटा कर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे हैं। चलो चलो, अब इनकी नानी के यहाँ चलते हैं। चलो 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 चलो, वाह देखो देखो, कितने आराम से जा रहे हैं ये बच्चे। वाह देखो देखो, इनकी नानी का घर तो आने ही वाला है। वेरी नाइस, देखो देखो, ये तो भागते ही जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेरी नाइस, देखो देखो, इनकी नानी जी का घर तो आ गया है। देखो देखो, इनकी नानी जी ने खाने का क्या क्या इंतजाम करा हुआ है यहाँ पर। अरे वाह, देखो देखो, कितना सारा इंतजाम है खाने का। ये तो बटर की टिक्की रखी हुई है, ये जैम्स रखे हुए हैं,
और यहाँ तो मेलोडी वाली टॉफी रखी हुई है। आज तो ये बच्चे मिलकर सब कुछ ही खा जाएंगे। और देखो यहाँ तो नानी जी रसोई घर में कितना सारा खाना बना रही हैं। आज तो बहुत जो तकड़ी पार्टी होने वाली है। तो चलो चलो चिंटू बेटा को उतार कर यहाँ बैठा देते हैं। चिंटू बेटा तो नानी जी के पास यहाँ बैठ गए हैं और ये इनकी प्यारी सी नानी जी खड़ी हुई हैं। अरे वाह नानी जी ने तो कितनी नई और सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। देखो देखो नानी जी तो बहुत सुंदर लग रही हैं। अब चलो मिंटू बेटा को भी नानी जी घर पे बैठा देते हैं। ये दोनों बच्चे तो उतर गए हैं। अब रिंकी और चिंकी की बारी है। रिंकी और चिंकी को तो हम इन बच्चों के पास बैठाएंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं। अरे अरे गिरो मत ऐसे रिंकी चिंकी, तुम ऐसे मत गिरो, तुम दोनों आराम से यहाँ बैठ जाओ चिंटू बेटा के पास। और मिंटू बेटा यहाँ बैठे हुए हैं। और देखो इधर तो दो बाजे वाले भी आए हुए हैं डपली बजाने के लिए। देखो चलो चलो पहले इन्हें खाने के लिए तो ये टॉफी दे देते हैं। चिंटू बेटा ये टॉफी तो तुम्हारे लिए है और ये वाले जैम्स तो मिंटू बेटा के लिए हैं। टिंटू बेटा टॉफी खाएंगे और मिंटू बेटा तो जैम्स खाएंगे और फिर उसके बाद ये चाय पियेंगे। देखो देखो इनके पास तो चाय आ गई है और अब ये वाली चाय तो मिंटू बेटा को दे देते हैं। इसके बाद फिर ये इनकी सबकी ढपली सुनेंगे। चलो चलो जादूगर ढपली बजा के दिखाओ। अरे वाह अरे अरे बजाते रहो बजाते रहो। देखो देखो ये तो कितनी सुंदर ढपली बजाते हैं। बस 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 चलो चलो बस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो चलो अब बराबर में देखते हैं कौन आया हुआ है। ओ नो देखो बराबर में कौन आया है। ओ माय गॉड इन बच्चों की तो किसी ने सर को तोड़ दिया है। देखो देखो इन बच्चों का तो सर यहाँ नीचे गिरा हुआ है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया है। अब ये बच्चे खाना कैसे खाएंगे। ये तो पार्टी में आए हुए थे चिंटू मिंटू से मिलने के लिए। चलो चलो देखते हैं इनका ये हाल किसने किया है। ओ माई गॉड देखो यहाँ तो ये दो दो चुड़ैल खड़ी हुई हैं। ओ भगवान ये क्या हो गया है। ओ देखो यहाँ तो एक चुड़ैल और है। वन टू थ्री ये तो तीन तीन चुड़ैल आई हुई हैं अपनी गाड़ी लेकर और इन चुड़ैलों ने तो इन बच्चों के गर्दन को तोड़ दिया है। अब ये बच्चे पार्टी कैसे करेंगे। हमें तो इन बच्चों को बचाना पड़ेगा और इन चुड़ैलों को यहाँ से भगाना पड़ेगा वरना ये चुड़ैल तो इन बच्चों के सर को खा जाएंगी और दोबारा इनकी गर्दन को तोड़ देंगी। अब क्या करना पड़ेगा। चलो चलो किसी की हेल्प लेकर आते हैं और इन बच्चों को बजाते हैं और चिंटू मिंटू को भी बता देते हैं। अरे चिंटू मिंटू बेटा तुम उधर मत जाना वहाँ चुड़ैल आई हुई हैं और वो तुम्हें पकड़ कर खा जाएंगी वरना। चलो नानी जी को भी बता देते हैं। नानी जी बराबर में तो चुड़ैल आई हुई हैं और वहां पर चिंटू मिंटू को मत भेजना। नहीं भैया मैं नहीं भेजूंगी चिंटू मिंटू को वहाँ। वो तो बहुत गंदी चुड़ैल है और बच्चों को पकड़ कर खा जाती है। हाँ ठीक है नानी जी ठीक है। चलो चलो हम इन बच्चों की हेल्प के लिए किसी को लेकर आते हैं और अब देखते हैं आगे कहानी में भी क्या होने वाला है। अभी तो बहुत मजा आएगा। चलो चलो